हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर, और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज अपन इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट और लास्ट टॉपिक्स कुछ पढ़ने वाले हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर से अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं नया चैप्टर नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट के तरीके से मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वो तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे अभी तक तो जो भी चीजें क्या क्या पढ़ ली हमने, तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ऑफकोर्स एपी क्या होता है सबसे पहले पढ़ा, फिर उसका जनरल टर्म ऑफ एन एपी या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, तो बहुत सारी सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ फॉर्मुला बेस्ड है, कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है, कुछ एग्जांपल्स भी अलग अलग तरीके से कुछ अपन एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं, तो सब कुछ एक साथ अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो नोट में सबसे पहला जो पॉइंट है आज का मैं जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो इसका मतलब क्या है, देखो ए एन का तो मतलब क्या है, ए एन इज एनथ टर्म ऑफ एन एपी जो लास्ट टर्म है, या फिर एनथ टर्म बोल दो, एनथ टर्म ऑफ एन एपी जो है वो ए एन से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन लिखा है इसका मतलब फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब एस एन जो होगा वो पहले एन टर्म्स का सम होगा, यानी ए वन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो अंटिल ए एन माइनस वन और लास्ट में ए एन तक आएगा, राइट। तो ये पहले एन टर्म्स का सम है एस एन। फिर एक और चीज क्या लिखी है यहां पर, तो एक और चीज लिखी है एस एन माइनस वन। तो एस एन अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है तो एस एन माइनस वन क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट यहां पे कितना देखो एन माइनस वन, तो सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, इसका मतलब ये कहां तक जाएगा, तो ये यहां तक जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं एस एन माइनस वन की, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ऐसे लिखते इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो एस एन माइनस वन, और जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से लेके पूरा यहां तक सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस बचेगा क्या, एक सिंगल टर्म बचेगा वो है ए। तो ये इसका यूज क्या है, तो कई बार क्या होगा कि तुम्हें सम ऑफ एन टर्म्स का कुछ जनरल फॉर्मूला दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया है वो एक्सप्लेन करूंगा उसी से, तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का कुछ एक फॉर्मूला दिया है, एक एन के टर्म्स के एन के टर्म्स में कुछ फॉर्मूला दिया है। तो अगर तुम्हें एस एन से अगर तुम्हें ए एन निकालना है, जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालना है, तो इस केस के लिए ये यूज करता है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, टू फाइंड ए एन व्हेन एस एन इज गिवन, तो वो क्या बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है कि जब हमारे पास एस एन दिया है क्वेश्चन में फॉर्मूला के थ्रू, तो ए एन निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे तो देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा मैंने, थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल है, देखो ध्यान से। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, तो यहाँ पे देखो एस एन यहाँ पे फॉर्मूला बेस दिया हुआ, देखो सेवन एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन, मतलब अगर एस वन देखोगे तो एस वन क्या हुआ, देखो एन की जगह वन पुट करो तो सेवन एन प्लस सिक्स विच इज थर्टीन आएगा, और एस वन का मतलब क्या है कि फर्स्ट वन टर्म्स का सम, मतलब एक ही टर्म तो आएगा ना, तो एस वन को तुम लिख सकते हो ए वन, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे रैंडम में निकाल रहा हूं चीजें कि तुम लोगों को ये एस एन का मतलब समझ में आ जाए, एस टू निकालते हैं तो एन की जगह टू पुट करो तो टू का स्क्वायर है प्लस सिक्स इंटू टू है, ठीक है। तो ये बन जाएगा टू स्क्वायर फोर, सेवन फोर सर ट्वेंटी एट प्लस सिक्स टू सर ट्वेल्व, विच इज कितना हो जाएगा फोर्टी, ठीक है। तो देख सकते हो एस टू जो है वो 40 है, मतलब ए वन प्लस ए टू, एस टू का मतलब क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, ए वन प्लस ए टू 40। तो देख सकते हो ए वन 13 है, यहां पे भी अगर 13 पुट करोगे इसको ट्रांसपोज करोगे तो ए टू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो ए टू की वैल्यू आ जाएगी 27। तो इस तरीके से अभी एस थ्री भी निकाल सकते हो, एस फोर भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, देख सकते हो तुम्हें एक एक करके सारे टर्म निकाल सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, ए वन ए टू ए थ्री, फिर जनरल टर्म निकाल के, मतलब एपी बन जाएगी क्योंकि सीरीज बन गई तो एपी निकल जाएगी, और एपी निकल गई तो तुम लोग जनरल टर्म फर्स्ट टर्म ये सब निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे एस एन दिया है, तो
तो हमें निकालना क्या है, an, यानी जनरल टर्म निकालना है। तो an क्या होता है, वो होता है sn-1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखो कैसे यूज करेंगे। तो sn की जगह जो ऊपर में लिखा है n के टर्म्स में, उसको तो लिख ही दो। और sn माइनस वन का क्या करोगे, देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, देखो n n n, अगर यहाँ पे n माइनस वन होगा तो यहाँ पे भी n माइनस वन और यहाँ पे भी n माइनस वन, बस रिप्लेस करना है n की जगह n माइनस वन। बस अब तुम्हें सॉल्व करना तुम्हारा काम है, देखते जाओ। an इज इक्वल टू, तो इसको तो ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट वैसे का वैसे, 7n स्क्वायर प्लस 6n माइनस, इसको भी थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो बन जाएगा 7, सीधा ही ओपन कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, समझना थोड़ा सा, 7n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 7 प्लस 6n माइनस 6, ओपन करते ब्रैकेट में से पूरा बाहर लेके आते सब, 7n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 7n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 7 माइनस 6n प्लस 6। तो इस तरीके देखो, 7n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 6n और 6n भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या है, देखो an इज इक्वल टू 14n और क्या बचा देखो, माइनस 7 प्लस 6 तो माइनस 1। तो an जनरल टर्म आ गया हमारे पास 14n माइनस 1। अब देख सकते हो तुम चीजों मैच करो तो कर सकते हो, ये तो मैंने बस एक्स्ट्रा बताया है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम लोग मैच कर सकते हो कि आंसर अपना सब सही आ रहा है। तो ये जो है ये क्या है, जनरल टर्म या फिर बोल दो nth टर्म ऑफ एन एपी, या फिर इसको क्वेश्चन में ये लिखा है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो खत्म कर लिया, nth टर्म ऑफ द एपी, तो एपी का हमने nth टर्म निकाल लिया है। तुम चाहे तो बैठ के अभी एपी पूरा निकालना है तो निकाल सकते हो, देखो कैसे। जैसे कि a1 कितना है, n की जगह 1 डालो तो देखो कितना है, 14 इंटू 1 14 माइनस 1 13। a2 n की जगह 2 डालो, 14 2 28 माइनस 1 27। तो देख सकते हो a1 13 आया था फर्स्ट टर्म, a2 27 आया था, तो सही आ रहा है हमारा। इसका मतलब a3 में निकालना है, a3 में निकाल लो तो देखो क्या आएगा, 14 इंटू 3 माइनस 1 तो 14 3 हो जाएगा 42 माइनस 1 41। तो इस तरीके से ऐसे जितने टर्म निकालने निकाल सकते हो, लेकिन हमें सेकंड पार्ट के लिए करना क्या है, तो सेकंड पार्ट में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा, a2 माइनस a1 तो सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो 27 माइनस 13 विच इज कितना आ रहा है, 14। सिमिलरली a3 माइनस a2 भी करके देखते हैं तो 41 माइनस 27 वापिस से कितना आएगा, 14। देयरफॉर यहां से क्लियर हो जाता है कि हर बार कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 14 है। हर बार 14 से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट पे जंप करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी। तो टेंथ टर्म कैसे निकालोगे, सीधा एन की जगह 10 पुट कर दो तो 14 इंटू 10 माइनस 1 140 माइनस 1 देयरफॉर टेंथ टर्म विल बी 139। तो एक लाइन में सब अभी बन रहा है। अगर देखो तुम इसको अगर एस एन को एन के फॉर्म में लिखते नहीं तो टेंथ टर्म निकालने में ये सब तुम्हें पूरा करना पड़ता, इसलिए ये ऐसे स्टेप प्रोसीजर्स अवॉइड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। कब यूज करना है, जब एस एन दिया है और ए एन निकालना है। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट बचा है एक और, उसको भी देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे करने के दो तरीके बताता हूं। उसने क्या पूछा है, एस टेन पूछा है, तो तुम एस टेन इस फॉर्मूले के थ्रू भी ला सकते हो एस टेन को, या फिर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। फर्स्ट टर्म क्या देखो, ए फर्स्ट टर्म ए वन 13 है, कॉमन डिफरेंस कितना है देखो 14 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मांग रहे देखो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मांग रहा है। तो चलो निकालते हैं यहां से भी एस टेन, जो कि फॉर्मूला तुम्हारे पास है याद होगा, तो एस एन यहां पर लिख देते मेरे से, एस टेन तो निकालना है, एस एन एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तुम चाहिए तो यहाँ पे a प्लस एल वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 टर्म दिया है, फर्स्ट 10 टर्म से पूछा है, तो a प्लस एल भी यूज कर सकते हैं अगर करना है तो थर्ड मेथड से। ठीक है, मैं इस वाले फॉर्मूले से प्रोसीड कर रहा हूं, चलो देखते हैं। n की जगह 10 बाय 2 2a a 13 है, n 10 है माइनस 1 d कितना है, तो d है 14। तो चलो चेक करते हैं कितना बन रहा है, तो ये बन जाएगा 5 26 14 9s आ, तो 14 9s आएगा हमारे पास 126। ठीक है, कितना बन रहा है देखो, ये तो ये बन रहा है 12 152 और फाइनली 5 2 10
560 आ रहा है एस टेन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एस टेन, तो एस टेन आ रहा है हमारे पास 760। तो इस तरीके से इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वाला मेथड करना है तो ये भी मेथड करो। कौन सा? कि सीधा सिंपल मेथड, एन की जगह यहाँ पे 10 पुट कर दो, काम खत्म। तो 7 × 10 का स्क्वायर प्लस 6 × 10, देखो मैच करना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये बन जाएगा 700, ये बन जाएगा 60, दो लाइन में आंसर आ गया 760, खत्म। और जो मैं बोल रहा था ए प्लस ए एन वाला, ए टेन वाला भी यूज कर सकते हैं, तीसरा मेथड। ये मेथड 1, ये मेथड 2, ये मेथड 3 करके लिख सकते हो, जो मेथड यूज करना करो, बस बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है सब, ठीक है। एन बाय टू ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ए प्लस लास्ट टर्म, तो एस टेन निकालना है, एन तो 10 है, 10/2, फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म 13 है, और 10 टर्म में 10th टर्म कौन सा है, तो 139 है, तो देखो कितना बन रहा है 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, 152/5, वापिस से आ रहा है 760। तो देख सकते हो सबसे आंसर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो जो मेथड से करना है करो, जो तुम्हें सिंपल लग रहा है, इनफैक्ट ये वाला सबसे सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है फॉर्मूला, उसी के फॉर्मूले से निकालो आंसर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना, अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, लिख रहे इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एन एपी, ठीक है। तो कभी भी कुछ क्वेश्चन में दिया है, सपोज एक वर्ड प्रॉब्लम में दिया है कि 3 नंबर्स एपी में है, या फिर 4 नंबर्स एपी में है, या फिर 5 या 6, जितने भी नंबर्स एपी में कुछ दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं नंबर्स क्या है, लेकिन उसने मेंशन किया कि 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है, तो तुम लोग यूजुअली जो एपी का जो कंडीशन होती है वो क्या सोचते हो, कि वो सबसे फर्स्ट टर्म ए है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2D होता है, हर बार डी ऐड करते जाते हो, तो इस तरीके से तुम नंबर्स लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी अगर कुछ नंबर्स मेंशन नहीं किए हैं तो तुम एक पैटर्न, एक सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो करो, ठीक है, कि नंबर्स कौन से चूज किए जाएं। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर्स 3 नंबर्स आर इन एपी, तो जैसे 3 नंबर्स आर इन एपी दिया है तो तुम इस सिमेट्रिक पैटर्न को लोगे हमेशा, जो कि तुम्हें याद रखना है। ऐसे ही क्यों लोगे, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने ए नहीं लिया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लिया है, और देखो हर बार क्या हो रहा है, हर बार डी ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से देखो एक एपी है, क्योंकि एक हर बार कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, तो ये 3 टर्म्स को तुम इस तरीके से, इस अननोन क्वांटिटी के बेस से तुम लोग अज्यूम कर सकते हो। अब यहां पे तुम्हें ए और डी निकालना पड़ेगा, तो इसमें एंड ऑफकोर्स इसमें दोनों में फर्क क्या है, देखो अगर ये नॉर्मल अपन पहले, अगर ये 3 टर्म मान लेते एपी के ये वाले, और अगर मैंने तो यहाँ पे ये लिखा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक का क्या फायदा होता है वो एग्जांपल में देखेगा तुम्हें। तो देखो मैं उसका बस फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया हूं, देखो यहां पे क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3, तो लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी, एपी बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो ये तुम लोग 3 नंबर्स मान लोगे सबसे पहले, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, फिर उसके बाद द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो ये 3 नंबर्स है, तो इन तीनों का सम देखो a माइनस डी, थोड़ा सा इस साइड लिखा हूं, मैं तुम्हें कुछ और भी एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू, देखो तीनों का सम कितना दिया है, -3 दिया है, तो चलो ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3, तो देखो -d और d कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3a इक्वल टू -3, a को उधर भेजो -3/3 विच इज -1, तो तुरंत पहले इक्वेशन से तुम्हें a की वैल्यू आ गई, फिर उसके और d भी निकालना है, तो एक और कंडीशन दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -8, तो a माइनस डी तीनों का प्रोडक्ट a और a प्लस डी, तो इन तीनों की वैल्यू क्या है 8 है, तो a की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, -1 यहाँ पे भी -1 यहाँ पे भी -1, ठीक है, तो देखो यहां से माइनस में कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा d+1, अरेंज कर रहा हूं सही से टर्म्स, यहाँ पे एक -1 है, इसको लिख रहा हूं d-1 8, तो देखो -1 हो जाएगा प्लस, और ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा d²-1, a²-b² इक्वल टू 8, d², 8+1, 9, देयरफॉर d जो है वो क्या होगा +-3, दोनों वैल्यू आ सकती है प्लस एंड माइनस,
तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा इसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, देखना ठीक है। तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो देखो मेरे पास a माइनस वन है और d की दो वैल्यूज है प्लस थ्री और माइनस थ्री। तो a माइनस वन बस यहाँ पे पुट करो, तीन टर्म जो थे, माइनस वन और d थ्री है। चलो पहले थ्री लेके देखते हैं, माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा माइनस फोर, a की जगह माइनस वन और a प्लस d, तो माइनस वन प्लस थ्री तो ये बन जाएगा टू। और अब d को माइनस थ्री में एक बार ले लेते हैं, तो d को माइनस थ्री लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस वन माइनस ऑफ माइनस थ्री तो प्लस टू आ जाएगा, a तो माइनस वन ही है वो तो कांस्टेंट है, और माइनस वन माइनस थ्री तो ये माइनस फोर। तो देख सकते हो दोनों, इनफैक्ट तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बस इंक्रीजिंग एपी है डिक्रीजिंग एपी है। लेकिन तीन नंबर अगर बोले तो उसने फाइंड करने को, तो हमने तीन नंबर निकाल लिए है जो कि है टू माइनस वन एंड फोर। तो ये तीन नंबर एपी में है, सच दैट इन तीनों का सम करके देखो, टू प्लस माइनस वन दैट इज वन, वन माइनस फोर माइनस थ्री। तो तीन नंबर जो एपी में है उनका सम माइनस थ्री है, और तीनों का प्रोडक्ट भी करके देखो तो माइनस फोर इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू टू एट, तो तीनों का प्रोडक्ट एट। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। अगर तुम ये ऐसे स्टार्ट करते हो तो देखो उससे बताता हूं मेथड टू, लेंथी मेथड जो कि जो तुम्हें यूज नहीं करना है अवॉइड करना है वो भी कर सकते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले नंबर्स कौन से मान लेंगे हम लोग, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, तीन नंबर्स मान लिए। अब देखो क्या दिया, तीनों का सम, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, तीनों का सम कितना है तो वो माइनस थ्री दिया है। तो देखो क्या बन रहा है, थ्री ए प्लस थ्री डी इक्वल टू माइनस वन, थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री कॉमन लेके उससे फेंको उसको, तो a प्लस डी की वैल्यू आ रही है माइनस वन। तो देखो हमने जब यहाँ पे सम लिया था हमारा तुरंत फर्स्ट इक्वेशन से हमारी a की वैल्यू आ गई थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्टली इक्वेशन की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसमें ये सब चीजें तुम्हें सोचनी पड़ेगी ठीक है। तो ये तो हो गया एक इक्वेशन, इसको बोलते फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे a और d दोनों में इक्वेशन बन रहा है। फिर दोनों तीनों का प्रोडक्ट भी लेना है, तो a a प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, तीनों का प्रोडक्ट दिया है एट ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ए को तो वैसे ही रखो, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन पुट कर रहा हूं, और यहां पे मेरे को यहां पे पूरी इक्वेशन ए में बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, डी जो है वो माइनस वन माइनस ए है, देखो माइनस वन माइनस ए, तो बस मैं यहां पे डी की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये माइनस ए है, ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए माइनस टू ए माइनस टू, तो माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू एट, माइनस पहले दो से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस एट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर सॉल्व करोगे इस क्वाड्रेटिक को, देखो यहाँ पे एक भी क्वाड्रेटिक नहीं बना था, डायरेक्टली सॉल्व हो गया था सिंपल, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना बन रहा है ये टू, फोर और टू बन रहा है, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस फोर कॉमा टू ठीक है, दो वैल्यूज आ रही है कि माइनस फोर या फिर टू। अब ए की दो वैल्यूज आ रही है तो डी भी निकाल सकते हैं, डी क्या है माइनस वन माइनस ए, तो माइनस वन माइनस ऑफ माइनस फोर तो ये बन जाएगा थ्री ठीक है। जो ए जब माइनस फोर है डी की वैल्यू थ्री है, एंड ए जब टू है तो उस टाइम डी की वैल्यू क्या, देखो टू पुट करो माइनस वन माइनस टू तो ये बन जाएगा माइनस थ्री। तो देख सकते हो अगर दोनों से अगर ए भी बनाओगे तो देखो ए माइनस फोर डी थ्री, तो देखो ये वाला बन रहा है एपी, ए टू डी माइनस थ्री तो ये वाला बन रहा है। तो आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन देख सकते हो इस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कष्ट उठाने से अच्छा क्या है कि तुम हमेशा सिमेट्रिक पैटर्न को मानो। तो अगर थ्री नंबर इन एपी दिए हैं तो तुम ये तीन नंबर मानोगे ठीक है सिमेट्रिक फॉर्म में। अगर चार नंबर एपी में दिए हैं तो ये मत कर देना कि यहाँ पे चलो ये याद है इसमें यहाँ पे कर देते हैं ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर चार नंबर जो बोल रहे एपी में है, तो क्या ये चार नंबर जो लिखे मैंने एपी में तो है लेकिन क्या सिमेट्रिक होंगेगा, नहीं। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए कि मैंने देखो बीच में एक सिंगल टर्म तो नहीं आ सकता, चार टर्म्स है इवन है तो दो इस साइड होंगे तो दो इस साइड नेगेटिव में भी होने चाहिए सिमेट्रिक, क्योंकि तो देखो मैंने यहाँ पे ए लिया ही नहीं, मैंने यहाँ पे ए प्लस डी लिया तो यहाँ पे ए माइनस डी लिया, उसका एग्जैक्टली काउंटर पार्ट प्लस माइनस। यहां पे अगर ए प्लस थ्री डी ले रहा हूं, देखो अब ये ए प्लस थ्री डी कहां से आया, अगर मैंने ये दोनों लिए तो इसमें देखो कितना ऐड हो रहा है, ए माइनस डी में और कितना ऐड करेंगे ताकि ये आ जाएगा, तो टू डी ऐड करना पड़ेगा, तो ए माइनस डी प्लस टू डी विल गिव ए प्लस डी,
तो अगर डिफरेंस 2d का है तो यहां पे भी 2d ऐड करना पड़ेगा और यहां पे भी पीछे 2d सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो इस तरीके से ये चार टर्म्स एपी में हमें दिखेंगे। तो अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार टर्म्स एपी में है तो ये चार टर्म्स लो। अगर सम बोल रहा है तो देखो यहाँ पे 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो सिमेट्रिक फॉर्म बनेगा। पांच टर्म बोल रहा है तो पांच टर्म में देखो तीन टर्म में जो सीखा है उसमें यहाँ पे एक टर्म ऐड करो और यहाँ पे एक टर्म ऐड करो। देखो a प्लस डी में और a प्लस 2d कर दिया, a माइनस 2d में और a माइनस 2d कर दिया, ठीक है, a माइनस डी में a माइनस 2d कर दिया। तो इस तरीके से पांच, छह, सात, आठ, अब होपफुली सबको आइडिया क्लियर हो गया है कि अगर वो छह टर्म बोल रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, चार टर्म हो गए, इधर एक और इधर एक टर्म ऐड करोगे, कौन सा, ए प्लस 3d है तो यहाँ पे 2d का कॉमन डिफरेंस है तो ए प्लस 5d, यहाँ पे ए माइनस 5d। तो इस तरीके से कोई टर्म्स अगर दिए हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है तो उनको सिलेक्ट कैसे करना है, तो ये सिलेक्शन का तरीका मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये अच्छे, इस पे वर्ड प्रॉब्लम अच्छे खासे बनते हैं, ये आना चाहिए अच्छे से कंसेप्ट, ठीक है। इसमें एनटीएससी में कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, इसमें एनटीएससी में से पूछता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एनटीएससी में ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बोलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर नोट पॉइंट का सबसे आज का सबसे लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा एक लास्ट एक और स्लाइड में, फिर खत्म करूंगा। तो लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट क्या है, वो है अरिथमेटिक मीन। तो बहुत लोगों ने स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा भी होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स नाम के चैप्टर में बहुत कॉमन जो चीजें हैं वो मीन पढ़ी होगी, या फिर एक एवरेज नाम का वर्ड तो बहुत लोगों ने कॉमनली सुना ही होगा कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है, कोई अगर सपोज किसी क्लास में किसी कोई सब टोटल 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स की सपोज हर एक में मार्क्स आ रहे हैं कि 30-40 अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, सपोज 30 स्टूडेंट्स में मैं सपोज एवरेज निकालूं, एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि सब मिला के जो टोटल बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, मतलब सब मिला के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कितना अराउंड कितने लाए हैं, ठीक है, कि मतलब मुझे किसी को बताना है कि मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं तो इतना अराउंड स्कोर कर रहे हैं। तो जितना एवरेज ज्यादा हाई होगा मतलब उतना ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, जितना एवरेज कम होगा उतना मतलब अच्छे बच्चे नहीं है, मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एवरेज क्या होता है कि कलेक्ट करके एक साथ चीजों को हम लोग को एक्सप्लेन अगर करना है तो ये एवरेज उसी का काम करता है। एवरेज इस चैप्टर में क्यों आ रहा है, स्टैट्स में मैं क्यों नहीं बता रहा, स्टैट्स तो बताऊंगा उसमें भी, लेकिन वो बात की बात है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन जो है, देखो यहाँ पे AM शॉर्टकट में बोलते हैं, उसको कई बार एवरेज भी बोलते हैं। तो अगर मुझे तीन टर्म्स हमारे पास A, B and C, ठीक है, A, B and C तीन टर्म्स है और वो अगर बोल रहा है एपी में है तो तुम चीज ये समझ ही सकते हो ये तीन टर्म्स एपी में, ठीक है। तो देखो अगर तुम फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय टू करते हो तो देखो तुम्हें क्या मिलता है, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो देखो ए माइनस डी ए प्लस डी एड करो, डी और डी का आंसर बच जाएगा क्या 2a, और उसको भी डिवाइड बाय टू करोगे तो 2 हट जाएगा, वो बीच वाला टर्म आएगा। तो इसीलिए एपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एपी में ही अरिथमेटिक मीन आता है कि क्या है कि अगर तीन टर्म्स एपी में है तो इसका अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, ठीक है। अब ये मत पूछना सर चार टर्म्स है तो चार टर्म में अरिथमेटिक मीन 2 आ जाएंगे फिर, तो वो सब नहीं है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है अराउंड, तो मैं बेसिक आइडिया समझाता हूं कि अगर दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे, दोनों टर्म्स को ऐड करोगे और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने थे दो ही टर्म्स, जैसे कि देखो मैंने नीचे लिखा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A1 एंड A2, अगर दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे A1 प्लस A2 और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो टर्म्स है उससे डिवाइड कर दोगे। n नंबर्स का अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है यानी मीन निकालना है तो ये n टर्म्स है तो n टर्म्स को n के n टर्म्स को ऐड करोगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो n है। तो इस तरीके से ये अरिथमेटिक मीन का कांसेप्ट है, इतना ही है। और भी जब हायर क्लासेस में जब मैथ्स ऑप्ट करोगे तुम लोग तो उसमें और भी कुछ चीजें इसमें देखने को मिलेगी, बहुत कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी के लिए तुम्हारे टॉपिक के लिए इतना ही पढ़ना है तो इतना समझो। तो बेसिक अरिथमेटिक मीन निकालना सबको आना चाहिए, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो 2 and 12 का अरिथमेटिक मीन तो कैसे निकालोगे, 2 and 12 का अरिथमेटिक मीन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ देखो 14 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 7। अब तुम चीज़ तो चेक कर सकते हो 7 जो इन दोनों के बीच में आना चाहिए 2, 7, 12। देखो क्या ये एपी है क्या, 2 में 5 ऐड किया, देखो 5 का एडिशन
सेवन में भी पांच का एडिशन, तो देखो एग्जैक्टली ये क्या बन रहा है एपी। इसलिए मैं स्टार्टिंग में वही लिखा था, देखो एबीसी आर एन एपी, देन बी इज सेट टू बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, यानी बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। ठीक है, चलो ये तो हो गया, बहुत सिंपल था। अगर ऐसे इतने टर्म्स दिए हैं तो कैसे निकालोगे, तो इसका अरिथमेटिक मीन देखो वापस से सेम चीज, टू प्लस फाइव प्लस एट प्लस इलेवन प्लस सो अंटिल 44, और टर्म्स कितने वो भी निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये सब तो चीजें दी नहीं है, तो तुम्हें पहले तो यहाँ पे एन की वैल्यू है जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो ये कैसी सीरीज बन रही है, तो देखो हर बार क्या हो रहा है प्लस थ्री वाला देखो, तो इसका मतलब ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, देखते जाओ हर बार तीन तीन का एडिशन हो रहा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म टू है और कॉमन डिफरेंस थ्री है और ऑफकोर्स लास्ट टर्म 44 है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये n की वैल्यू चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म का यूज करते चलो, l इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एल पता है कितना है लास्ट टर्म 44 है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो चलो सॉल्व करते हैं, 44 को उधर भेजो तो 42 बनेगा, 3 इंटू एन माइनस वन, 3 को डिविजन करो तो 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, एन माइनस वन, यानी यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 1 विच इज 15, तो एन का तो आंसर आ गया, लेकिन मतलब इसका डिनोमिनेटर तो आ गया, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या दिया है देखो, तो न्यूमिनेटर में इन सब टर्म्स का सम पूछा है, तो सम भी निकाल सकते हैं, तो एस एन 15 है, तो ये 15 जो टर्म्स है इन 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो एस 15। फॉर्मुले बहुत सारे हैं, एन बाय टू ए प्लस एन ले लो, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ले लो, जो यूज करना है यूज करो, तो एन है 15, तो 15 बाय टू ए प्लस एन, फर्स्ट टर्म 2 लास्ट टर्म 44, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 46 डिवाइड बाई 2 विच इज 23 इंटू 15, और ये कितना आएगा 15 थ्री 45, 15 टू 30, तो 345 आ रहा है हमारे पास इसका सम। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन, तो ये जो है ये क्या है S 15 ही तो है ना, पहले 15 टर्म्स का सम, तो 15 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 345, यहां पे भी हमने निकाला S 15, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो वो है 15, और अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, तो इस तरीके से एम इज इक्वल टू 23 आ जाएगा, मतलब इन टर्म्स में अरिथमेटिक मीन जो होगा वो 23 आएगा। बेसिकली एवरेज मतलब सबसे बीच वाला पार्ट होता है, सबसे बीच में जो नंबर आ रहा है, जैसे कि देखो 2 और 12 के बीच में सबसे कौन सा नंबर आ रहा है 7, इन सब के बीच में सबसे सॉरी इन सब नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 23, तो सबसे मिडिल नंबर निकालता है अरिथमेटिक मीन, या एवरेज बोलो या मीन बोलो, सब कुछ वन एंड द सेम थिंग है। तो ये दो कंसेप्ट है इस चैप्टर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है इस कंसेप्ट में से अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आज का एक लास्ट एक टॉपिक खत्म करते हैं, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तुम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से जमना चाहिए, कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करो, सॉल्व करो, सॉल्व तो तुम लोग कर ही लोगे अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो, बस जो भी इंग्लिश में लैंग्वेज दिया है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी दिया है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो। ठीक है, उसके आगे ही तुम लोग कुछ कर सकते हो, लिख लो इसको, वो भी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं और आज से उस चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, फिर उसके लिख लो इसको सबसे पहले। चलो फिर आज के कुछ लास्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, तीन वर्ड प्रॉब्लम्स लिखे हैं और अलग अलग कंसेप्ट है तीनों का, तो देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है। अ मैन रिपेज अ लोन ऑफ रुपीज 3250 बाय रुपीज 20 इन द फर्स्ट मंथ, देन इंक्रीज द पेमेंट बाय रुपीज 15 एवरी मंथ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू क्लियर द लोन। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अगर तुम लोग अच्छे समझ गए कि उसने क्या लिया है, लोन लिया है कितने का, तो लोन ऑफ रुपीज 3250 तो 3250 रुपीज का उसने लोन लिया बैंक से। अब वो क्या कर रहा है, उसको रीपे कर रहा है बैंक को, कैसे रीपे कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ रीपेमेंट, तो पहले मंथ में उसने कितना पे किया, तो उसने पे किया रुपीज 20, फिर उसके बाद देन ही इंक्रीज द पेमेंट बाय रुपीज 15 एवरी मंथ, तो सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा, उसने क्या बोला कि हर मंथ उसको जो रीपेमेंट है वो क्या हो रहा है उसका 15 रुपीज से बढ़ा रहा है, कि ताकि उसको जल्दी से मतलब रीपे करके खत्म करे,
तो 20 + 15 दैट इज इक्वल टू ₹35। तो सेकेंड मंथ में उसे 35 रुपीज दिए, 35 रुपीज पे किए। थर्ड मंथ पे कितना होगा, 35 + 15 तो वो हो जाएगा 50 रुपीज पे किए। तो देख सकते हो हर मंथ वो क्या हो रहा है, 15 रुपीज बढ़ा रहा है रिपेमेंट में। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितने महीने लगेंगे ऐसे उसको क्लियर करते, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये जो बन रहा है, फर्स्ट मंथ 20, सेकेंड मंथ 35, थर्ड मंथ 50, फोर्थ मंथ 65। तो ऐसे हर बार टोटल जो ये सम जो है इसका, जो जितने भी ये नंबर सपोज एन टर्म है, ठीक है, तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, एन टर्म्स। तो जो भी एन टर्म्स का जो सम है, जब तक वो सम एस एन इसकी वैल्यू 3250 तब तक नहीं पहुंचती, तब तक के लिए उसको पे करते जाना पड़ेगा। जैसे ही उसने टोटल अमाउंट उसका खत्म हो गया, टोटल अमाउंट जो भी पे कर रहा है, क्योंकि वो तो पूरी कर रहा है, 20 रुपीज पहले महीने में पे किए, फिर 34 रुपीज, फिर 50, फिर 65, इस तरीके से टोटल जब तक उसका अमाउंट 3250 जब तक नहीं हो जाता, तब तक उसको पे करते जाना है। तो इसका मतलब देखो एक एपी बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस हर बार कितना ऐड हो रहा है, 15 का एडिशन है, और नंबर ऑफ टर्म एस सम ऑफ एन टर्म्स 3250 है, और तुम्हें निकालना क्या है, फॉर्मूला लगाता है। तो एस एन क्या है, तो 3250, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ट ही कर रहा हूं, तो एन बाय 2, तो एन तो हमें निकालना है 2a, तो 2 × 20 प्लस एन माइनस 1 × d, तो d 15 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, देखो 3250 इज इक्वल टू एन बाई 2, 40 − 15, तो 40 − 15 हो जाएगा 25 + 15 n, ठीक है। यहां से तुम देख सकते हो 5 कॉमन भी आ सकता है, तो ये बन जाएगा 5, जब कॉमन लेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, डायरेक्टली मैं स्टेप में लिख रहा हूं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = ये हो गया। फिर यहां पे देख सकते हो 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 6 × 50 बन गया, 6 × 50 × 2, तो 5 × 2 = 10, यहां पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 × 2 = 10 और 13, तो 1300 इज इक्वल टू, अब n यहां पे बचा है, इसको n को 2 को तो इधर भेज दिया, n यहां पे बचा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5n + 3n², यानी क्वाड्रेटिक बन रहा है, 3n² + 5n − 1300। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक बन जाएगा इक्वल टू ऑफ कोर्स 0। बाकी क्वाड्रेटिक को तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बस थोड़ा सा ऐड देता हूं, डायरेक्टली आंसर निकालता हूं। चलो 1300 तो ये क्या रहेगा, 5 × 6 = 50, 5 × 1 = 13, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 2, 13, 13, और एक और 3 भी है, क्योंकि यहां पे दोनों का प्रोडक्ट लेना, स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से करना, फिर तुम अलग अलग मेथड से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। 5 लाना है, तो 5 कैसे आएगा, तो 5 × 5 = 25, 13 × 3 = 39, और क्या करें, 125 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, 25 × 2 = 50, ठीक है, 50 और ये 65 बन रहा है, 5 चाहिए मुझे, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन, 5 × 5 = 25, ये तो कर देते एक साथ ही, 25 × 3 = 75, 13 × 5 = 65, अभी भी कुछ मिस हो रहा है, 25 और क्या कहा जाए, सीधा तरह से करेंगे बेस्ट है, क्योंकि इसमें फैक्टर्स निकालना थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छे से, 13 × 10, 10 × 13 कितना बन रहा है, तो 130 बन रहा है, 5 × 5 = 25, 75 नहीं इससे भी नहीं होगा, 13 × 6 करेगा, 13 × 6 = 13, 6 = कितना हो गया, 78 और 75, तो 78 और 75 सही है क्या, देखो 13 × 6 = 16, 18 बिल्कुल 78 और 75 हो रहा है, तो ना कुछ और सोचते हैं इसमें, चलो नॉर्मल इसके अंदर से निकालते हैं सीधे तरह से, डी देखते हैं क्या आ रहा है, डी इज इक्वल टू b² तो 25 − 4ac, तो 4 × 3 = 12, और ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, 12 × 13 तो 13 × 12 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 26, 13 तो 1560, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 15600, डी बन जाएगा 15625, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को याद होना चाहिए। ये होता है मेरे ख्याल से 125 का स्क्वायर है, 110, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12, 13, किसका स्क्वायर है ये, 56, 0 है मेरे ख्याल से, 125 का ही स्क्वायर है या किसका स्क्वायर है, चलो देखते हैं एक बार। 1 1 1 स्क्वायर रूट डिवीजन मैं ओरली कर रहा हूँ, तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, रफ में, जगह कम इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो 1 1 1 यहाँ पे 1 नीचे आया, तो ये 1 कितना बन जाएगा, 13 3 39, 14 4 56, बिल्कुल 14, बिल्कुल लास्ट में फिर क्या बचा, 14 प्लस 4 18, 145 का स्क्वायर है, चेक करते हैं, चलो 145। मैं स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे डी इसका निकालना है, ये वाला x इक्वल टू माइनस बी यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 15625 अपॉन 2a, 2a तो 2 × 3 6, तो 15625 किसने आया था, 145 ही आया था ना मेरे ख्याल से, 145 सही है, देखते हैं, चलो 145 यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में मिटा देंगे, चलो 125 भी आएगा मेरे ख्याल से, चेक करते हैं, 125 लेके देखते हैं कितना बन रहा है, तो 125 625 ये बन जाएगा, 250 बन जाएगा, 125 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 2 11 6, बिल्कुल 125 का स्क्वायर है ये, तो ये बन जाएगा 125, ठीक है, मतलब 15625 का स्क्वायर रूट है 125, 125 माइनस 6 125, यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैं देखो यहाँ पे वैल्यू है, एन की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, हम लोग बस पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे मैं प्लस वाले ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो 125 माइनस 5 तो हो जाएगा 120 और 120 बाय 6 विच इज 20, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 20। देयरफॉर ये जो सॉल्व करना है वो तो तुम्हें ही करना है, तुम जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी देख सकते हो, वहां पे भी कुछ होगा, अभी देखना 20 और कुछ होगा मेरे ख्याल से, चेक करना खुद ही तुम लोग, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ रही है 20, मतलब उसको 20 इंस्टॉलमेंट्स लेंगे, मतलब उसको 20 महीने लेंगे, या फिर ऐसे बोलो 3 years 2 months लेंगे उसको, ठीक है, सॉरी कितना, 1 year 8 months लेंगे उसको, ठीक है। तो 1 year 8 months में उसका क्या हो जाएगा, पूरा जो भी अमाउंट है उसने 3250 लिया है वो रिपे हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन जगह कम थी, मैंने थोड़ा अच्छे से कचरे में ही किया है, तो थोड़ा ऐसा साफ सुथरा तुम लोग लिखना अच्छे से, ठीक है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, वो तुम लोग करो अच्छे से, और कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देख लेना एक बार। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, ठीक है। तो एक स्पाइरल बन रहा है, जिसका स्पाइरल कैसे बन रहा है, सक्सेसिव सेमी सर्कल से, कि सेमी सर्कल बना रहे, देखो सबसे पहले सेंटर ए लिया, होपफुली सबको सेमी सर्कल पता ही अभी तक, तो ये जो है पहला पार्ट है, देखो ये सेमी सर्कल है जिसका सेंटर है ए, फिर उसके बाद एक और नीचे में सेमी सर्कल बना जिसका सेंटर है बी, फिर वापस ये सेमी सर्कल बना, थोड़ा रेडियस बढ़ते जा रहे देखो, जिसका सेंटर ए, देखो तो सेंटर क्या हो रहा है, अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी चेंज होते जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, तो इससे स्टार्ट किया है, ऑफ रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, फिर ये जो नीचे सर्कल बना उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, फिर उसका उसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ते जा रहा रेडियस, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाते जाना है, तो उसने पूछा टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, मतलब ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ स्पाइरल का, ये पूरा जो लेंथ है वो कितने लेंथ का बन रहा है, तो लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालने के लिए ये जो मैंने यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, देखो L1, L2, L3, L4 इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो L1 निकालने के लिए लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल है, तो L यूजुअली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस ही हो गया, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर वन ही रहेगा, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस रहता है वो 2 पाई आर रहता है, तो सेमी सर्कल कितना रहेगा, पाई आर,
राइट। तो यहाँ पे रेडियस वन है पहला वाला, तो इसका मैंने आर वन लिखा है। ऐसी एल टू लिखूंगा तो पाई आर टू, ऐसी एल थ्री लिखूंगा तो पाई आर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल लेंथ पूछा उसने, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस सो ऑन टिल कितने सर्कल तक जा रहे हैं। तो टोटल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बन रहे, 12-13 तक जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कहा पाई आर वन प्लस पाई आर टू प्लस सो ऑन टिल पाई आर 13। तो देख सकते हो यहाँ पे पाई पूरा कॉमन आ रहा है, बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस सो ऑन टिल आर थ्री, लिख देते चलो आर थ्री प्लस सो ऑन टिल आर 13। अब आर जो है वो क्या है, रेडियस। तो रेडियस देखो यहाँ पे रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला है 0.5 सेंटीमीटर, तो देखो 0.5 सेंटीमीटर, फिर ये है 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही जा रहा है। और लास्ट में 13 टर्म तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो सोच लेंगे अपने आप कैलकुलेशन करोगे तो। तो देखो ऐसे ही बढ़ते जा रहा, देख सकते हो ये जो है ये सम ऑफ एन एपी है, क्योंकि देखो 0.5 1 1.5 हर बार ये एपी में क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.5 का आ रहा है, 0.5 से बढ़ रहा है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म कितना है, वो भी 0.5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो वो है 13। तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू निकालोगे, ये जो है ये क्या है, तो ये सम ऑफ 13 टर्म्स है ये वाला। ठीक है, यहां से लेके यहां तक सम ऑफ 13 टर्म्स है S13। तो निकालते चलो n/2 13/2 2a, तो 2a a क्या है 0.5 प्लस n माइनस 1, तो 13-1 इंटू 0.5। और पाई की वैल्यू यहां पे उसने बोली है अज्यूम करने को 22/7, तो उसको हम लोग वैसे ही लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 × 0.5 तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये 12 है, 12 × 0.5 तो वो बन जाएगा 6, तो ये बन गया 1, ये बन गया 6। ठीक है, तो 1 + 6 ये बन जाएगा 7। तो फाइनली जब कैलकुलेशन करोगे तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 आ रहा है। तो इस तरीके से देखो 7 और 7 कैंसिल, 2 और 11, तो ये 11 × 13 कितना बन जाएगा टोटल लेंथ, तो हमारे पास आएगा 13 और 13, तो टोटल लेंथ आएगा 143 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्पाइरल जो है वो 143 सेंटीमीटर का लेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यहां पे ऐसे जाते रहोगे तो 143 सेंटीमीटर मिलेगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट एग्जांपल, इसको भी खत्म करते हैं। देखो इसी से अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो टोटल मनी जो हमारे पास है, देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट लिखे नहीं है, तुम लोग खुद से स्टेटमेंट लिखना अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए। अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम का जो भी है समझ में आ गया, उसका बोलना क्या चाहता है, तो तुम लोग खुद से स्टेटमेंट अपने से खुद से लिख सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रुपीज, सम कितना है ₹700। ठीक है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, तो नंबर ऑफ कैश प्राइज कितने हैं, एन बोल दे रहा हूं मैं, 7 है। ठीक है, टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर द ओवरऑल एकेडमिक प्राइस परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज ₹20 देन इज प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट प्राइस बी, हमें पहला प्राइस पता नहीं है तो हम लोग मान लेते चलो फर्स्ट प्राइस बी A1। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन देयरफॉर सेकंड प्राइस क्या होगा कि जो भी A1 था उससे 20 कम, यानी A1 - 20, हर प्राइस क्या है 20 कम है, देयरफॉर थर्ड प्राइस इज, ऐसे देता हूं, थर्ड प्राइस इज और भी 20 कम करना पड़ेगा, तो A1 - 20 में और भी 20 कम, मतलब A1 - 40। तो देखो हर बार 20 कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक एपी है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं A1 - 20 A1 - 40, तो ये भी एक एपी बन रहा है। ठीक है, तो जिसमें इसका फर्स्ट टर्म है स्मॉल a, फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है जो हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना रहेगा, हर बार घट रहा है तो हर बार कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस आना चाहिए, और कितने से, तो 20 से घट रहा है, तो डी की वैल्यू -20 है। ठीक है, इफ ईच प्राइस उसका दिया, और क्या दिया है सम, मतलब इस ₹700 को ही तुम्हें डिवाइड करना है, तो इसका मतलब सम ऑफ टर्म्स कितने हैं, कुछ दिया है 7 कैश प्राइजेस, तो सम ऑफ 7 टर्म्स, तो 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है ₹700, और ऑफकोर्स एन की वैल्यू है हमारे पास
7. तो तुम्हें ये ए निकालना है, ए निकाल दो, क्या निकालने बोल रहा है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कैश प्राइजेस, मतलब ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो मतलब ए वन की वैल्यू निकालोगे तो सारे कैश प्राइजेस निकल जाएंगे. तो देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, एस सेवन है तो 700, एन की जगह 7 पुट करो, 7 बाय टू टू ए, ए तो पता नहीं हमें, ए वन लिख देता हूं, प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन हो जाएगा 7 माइनस वन 6, और डी कितना है तो डी माइनस 20 है. ठीक है, तो 7 ये बन जाएगा 100, 2 को इधर भेजो तो ये बन जाएगा 200, और ब्रैकेट में क्या आएगा तो वो आएगा इज इक्वल टू टू ए माइनस 120. ठीक है, हो गया. माइनस 120 को इधर भेजो तो ये बन जाएगा 320 इज इक्वल टू टू ए. देयरफॉर ए इज इक्वल टू एफ ए वन बोलो, क्योंकि ए वन लिखा था, ए वन इज इक्वल टू 160. काम खत्म. अब सारे के सारे प्राइजेस लिखो. फर्स्ट प्राइस कितना आना चाहिए, तो फर्स्ट प्राइस होगा रुपीज 160 का, सेकेंड प्राइस होगा रुपीज, अब देखो 20-20 कम करते जाओ, ए वन माइनस 20 रुपीज 140, थर्ड रुपीज 120, फोर्थ रुपीज 100, फिफ्थ रुपीज 80, 20 कम करना है हर बार, सिक्स रुपीज 60, एंड ऑफकोर्स सेवेंथ रुपीज 40. तो देख सकते हो अगर सबको ऐड करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी 700. चेक कर लो, 160 प्लस 140 ये हो जाएगा 300, 400, 520, 600, 700. तो देखो एग्जैक्टली 700 आ रहा है. तो ये 700 रुपीज को हमने 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड किया है, ताकि हर प्राइस जो है उसके पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम हो. तो इस तरीके से सब क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आने चाहिए कि वो बोलना क्या चाहता है और करना क्या है तुम्हें. ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से खुद से अटेम्प्ट करो, फिर ही तुम लोग समझ पाओगे कि अच्छा क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है. और आज के लिए तुम्हें पूरे जो भी एक्सरसाइज के जितने भी एपी में जितने भी क्वेश्चन है एपी तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो पूरे तुम्हें खत्म करना है. ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया वेल एंड गुड, उनके लिए मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैच किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना. और इसी से अपना ये वाला चैप्टर खत्म होता है. कल अपना संडे को पेपर है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो एनटीएससी के बारे में बता दूं, देखो एनटीएससी में तुम लोग स्टेज वन को तो बहुत लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा अपना फोकस एनटीएससी ही मत डालो. एनटीएससी बस तुम्हारे स्कॉलरशिप के लिए बहुत फायदा रहेगा, बिल्कुल अच्छे काम है, एनटीएससी से बहुत फायदा रहेगा, लेकिन एनटीएससी का स्टेज टू थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू स्टेज वन. स्टेज वन में जैसे तुम लोग अभी ये सब सिखा रहे हैं, पूरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और अपना बेसिक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, मैथ भी बेसिक रहता है, लेकिन स्टेज टू थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कम क्वेश्चन रहता है, टाइम बहुत ज्यादा रहता है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है. तो इसलिए जो अभी भी कोई एक पर्टिकुलर भी सब्जेक्ट पे अगर कंफर्टेबल नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो थोड़ा एनटीएससी का प्रिपरेशन छोड़ो, नॉर्मल अपना बोर्ड का सीखो. जो लोग बोर्ड से कंफर्टेबल है कंप्लीटली, जो भी स्कूल में चल रहा है या फिर अपने क्लासेस में चल रहा है, सब उससे अच्छे से कंफर्टेबल है और किससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो बिल्कुल एनटीएससी के लिए 100% गो, आगे प्रिपेयर करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और अगर कोई डाउट आ रहा है एनटीएससी के लिए क्वेश्चन में तो पूछो. ठीक है, ऐसे फ्री फोकट का मत पूछते बैठना, सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो, ऐसे टाइम पास मत करना. जेन्युइन जो डाउट होंगे वही पूछना. ठीक है, जो तुम्हें सही में अगर करने की इच्छा होगी तो. चलो फिर होमवर्क करना अच्छे से इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और एक और चीज, इसका मैथ्स का भी इसमें एनटीएससी का जो एक कल के लिए चैप्टर आ रहा है, तो अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखा तो तुम्हें कोई दिक्कत जाएगी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है. बस जितना मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो मैंने प्रोवाइड किया होंगे उसके क्वेश्चंस करो, मोर देन इनफ. ठीक है, चलो फिर कल के लिए अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक सबको. आज के लेक्चर के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि चैप्टर ही खत्म करना था, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं. हैव अ गुड डे, एंजॉय.